बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। हमने इसकी दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जैसे काफी सारे लोगों ने इसे डिफाइन किया। लेकिन दो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट और पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें लॉर्ड्स कैल्वो स्टेटमेंट है और जिनमें क्लासियस स्टेटमेंट है, बोथ वी हैव स्टडी। आज बेटा हम पढ़ेंगे कॉर्नेट एंजल। बेटा कॉर्नेट एंजल is an engine which has maximum efficiency. It is an engine कि जिसकी जो efficiency है वो working substance की nature पे depend नहीं करती। It only depends on the temperature difference between the temperature of HTR hot temperature reservoir and temperature of LTR low temperature reservoir, उनके temperature difference पे। The question is what is Carnot engine? बेटा कॉर्नेट इंजन एक रिवर्सिबल साइकिल पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम कॉर्नेट साइकिल कहते हैं। सबसे पहले हमें कॉर्नेट साइकिल पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज मेंट बाय दी कॉर्नेट साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्नेट साइकिल फोर डिफरेंट प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है। तो प्रोसेसेस अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, दो फोर प्रोसेसेस आर, उनमें से दो आइसोथर्मल होंगे और दो एडियाबेटिक होंगे। And first one process is isothermal expansion. Second one is adiabatic expansion. Third one is isothermal compression. And the fourth one is adiabatic compression. These are the four different processes जिन पे कॉर्नेट साइकिल जो है वो मुश्किल है। इनमें से दो आइसोथर्मल है और उनमें एक्सपेंड होते हैं, और दो जो है वो एडियाबेटिक हैं। तो और एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जो आइसोथर्मल के दो प्रोसेसेस हैं उनमें से एक एक्सपेंशन का है, एक कंप्रेशन का है। इसी तरह जो एडियाबेटिक के प्रोसेसेस हैं उनमें एक एक्सपेंशन का है और एक कंप्रेशन का है। इन्हें हम स्कीमेटिकली यहाँ पे देखते हैं। यू कैन सी हियर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है। लेट्स सपोज दिस इज अ सिलेंडर, इसके अंदर गैस है। बेटा इसकी वॉल्स और जो इसका ये पिस्टन है, दीज आर नॉन कंडक्टिंग, मींस यहाँ से ना हीट एनर्जी एंटर हो सकती है ना एग्जिट हो सकती है। पिस्टन इज मूवेबल बट बेस इज कंडक्टिंग। बेस क्या है? कंडक्टिंग। इसका पहले कोई खास वॉल्यूम है वी ए, कोई खास प्रेशर है पी ए, कोई खास टेम्परेचर है टी ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को उठाकर मैं एक हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर पर रख देता हूँ, एच टी आर पे। जब इसके ऊपर रखूंगा तो हीट एनर्जी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से इस सिलेंडर में एंटर होगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है। जब ये इसकी हीट एनर्जी इसमें एंटर होगी तो ये इस जो है गैस जो है इसके अंदर जो मौजूद गैस है उस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए हमारा जो पहला प्रोसेस होना चाहिए वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। मींस हमने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना। तो फिर एक ही तरीका कार है टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने का, कि पिस्टन शुड मूव अपवर्ड। तो पिस्टन जब अपवर्ड मूव करेगा जो हीट एनर्जी एंटर होगी वो सारी सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी इंटरनल एनर्जी एनहांस नहीं होगी और इसका टेम्परेचर सेम रहेगा जितना पहले है। इस तरह से पहले हमने इसे उठा के एच टी आर पे रखा और इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। ये अब ए से मूव करके बी पे चला गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। फिर बेटा इसी को उठाया और हमने एक इंसुलेटेड के ऊपर रख दिया, इसके ऊपर थर्मल इंसुलेटर।
पहले तो इसकी पिस्टन्स और वॉल्स नॉन कंडक्टिंग थी, अब बेस भी नॉन कंडक्टिंग हो गई है क्योंकि इंसुलेटेड पे रखा है, और हम इसके ऊपर मौजूद बाहर जो वेट है उसे रिमूव करते हैं। अगर वो रिमूव करेंगे तो बाहर वाला प्रेशर कम होगा और डेफिनेटली इट विल मूव अपवर्ड। अब ये अपवर्ड मूव होगा, इसके अंदर जो गैस है सिलेंडर के अंदर वो एक्सपेंड होगी, बट उसमें कोई हीट एनर्जी एंटर नहीं होगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, या बी से सी पे जाएगा तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, इसमें ना तो सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर हो ना ही सिस्टम से हीट एनर्जी जो है वो एग्जिट हो, हम क्या कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। फिर बेटा इसी को हम उठाएंगे और एक LTR पे रख देंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे, एनर्जी रिजर्वायर एट TC कह लें या TL कह लें। बेटा जब LTR पे रखेंगे तो डेफिनेटली बाहर वाले रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है तो हीट एनर्जी विल लीव द सिस्टम और वो हीट एनर्जी सिलेंडर से रिजर्वायर की तरफ जाएगी, और जब वो हीट एनर्जी सिलेंडर से रिजर्वायर की तरफ जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या है जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एक ही सूरत हाल है कि जब हीट एनर्जी बाहर निकले तो हमें वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर ताकि जितना टेम्परेचर कम हुआ है वो मेंटेन हो सके, और ये गैस कंप्रेस होगी और आइसोथर्मली कंप्रेस होगी, इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा। अगेन इसे मैं उठाता हूँ और एक इंसुलेटर के ऊपर रख देता हूँ, और मैं इंसुलेटर अब वॉल्व पिस्टन और बेस तीनों नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगे, अब इसे मैं मजीद कंप्रेस करता हूँ, पिस्टन को नीचे की तरफ, वॉल्यूम मजीद कम होगा लेकिन इसमें से हीट एनर्जी ना बाहर निकल रही है ना एंटर हो रही है, तो अब कंप्रेशन होगी, इसे हम कहेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या कहेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस तरह से हम अगर देखें तो शुरू में वॉल्यूम बढ़ा और साथ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम भी बढ़ा टेम्परेचर कम हुआ, फिर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने देखा था वॉल्यूम कम हुआ और टेम्परेचर सेम रहा, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में हमने देखा वॉल्यूम मजीद कम हुआ और टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ था यहाँ पे बढ़ा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा था इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इस प्रोसेस के बाद अगेन हम वही टेम्परेचर वही वॉल्यूम वही प्रेशर जो है वो अटेन कर लेंगे, और इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल, कहते हैं दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो ये इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है बेटा, इसके हम PV डायग्राम जिसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं उसकी फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज PV डायग्राम, इसे हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। बेटा शुरू वाला प्रोसेस कौन सा था, जब ए से आप बी में मूव किए थे दैट वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें क्या हुआ था सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर हुई थी, फर्स्ट किया जो हीट एनर्जी एंटर हुई है उसे मैं QH कह लूं, यहाँ पे बेटा टेम्परेचर TA था, वॉल्यूम VA था, प्रेशर PA था। बेटा जब पहला आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये आइसोथर्म बनेगा, आइसोथर्मल कर्व आपने पढ़ी हुई है, तो ये कुछ ऐसी बनती है, ये आपने ड्रॉ करनी बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर्व अगर मैं यहाँ पे सही तरीके से ड्रॉ कर सकूं तो ये आइसोथर्म और ये जो है जिसकी ज्यादा जो है वो स्ट्रिपर है दिस इज एडियाबेट, पहले क्या होगा आइसोथर्म, अब क्या हुआ है वॉल्यूम बेटा देख सकते हैं कि वॉल्यूम वी ए से बढ़ के यहाँ पे वॉल्यूम कुछ था वी ए, अब वॉल्यूम उससे बढ़ के क्या हो गया है वी बी हो गया है, और प्रेशर पी ए से कम होके पी बी हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहा, क्यों सेम रहा क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उतना ही है जितना पहले है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ के वी बी हो गया और प्रेशर कम होके क्या हो गया पी बी। जो दूसरा प्रोसेस था वो था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब हमने उसे उठा के पहले तो हमने सिलेंडर को रखा था ना इसके ऊपर HTR के ऊपर, फिर हमने इंसुलेटर के ऊपर रखा, जब इंसुलेटर के ऊपर रखा और ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुई इसमें ना तो हीट एनर्जी एंटर हुई ना एग्जिट हुई, अब ये एक्सपेंड भी हो रहा है हीट एनर्जी एंटर भी नहीं हो रही, इसका मतलब टेम्परेचर तो कम होगा, अब टेम्परेचर TA से कम होकर TC हो जाएगा, लेकिन बेटा वॉल्यूम
देख सकते हैं तो वाली वी बी से बढ़ के वी सी हो गया है, प्रेशर मजीद कम हो गया, पी बी से कम होके क्या हो गया पी सी, वॉल्यूम हो गया वी बी और प्रेशर क्या हो गया पी सी। अब जो थर्ड प्रोसेस था हमारा, अगर हम उसे देखें कि हमने इसे एल टी आर के ऊपर रखा था, इसमें हीट एनर्जी क्यू एल एग्जिट हुई थी और इसका टेम्परेचर सेम रहा था और इसमें वॉल्यूम कम हुआ था, तो थर्ड प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये वाला ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एनर्जी बाहर निकली है, कितनी निकली है क्यू एल, इसे हम नेगेटिव से शो करेंगे, और वॉल्यूम इसमें बढ़ा है कम हुआ है लेकिन प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम बी सी से बढ़ के वी डी हो गया, कम होके वी डी हो गया, लेकिन जो प्रेशर है बेटा वो पी सी से बढ़ के पी डी हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर वही रहा है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो ये यहाँ पर है, टेम्परेचर तो टी सी है लेकिन वॉल्यूम वी डी हो गया है और प्रेशर भी क्या हो गया है पी डी हो गया। अब फोर्थ वन, उसे हमने उठाया था इंसुलेटर के ऊपर रखा था, अब मजीद हम उसे कंप्रेस करते हैं तो ये जो कंप्रेशन होगी ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी, इसमें ना तो हीट एनर्जी एंटर होगी ना एग्जिट होगी, इसमें मजीद वॉल्यूम कम होके वी डी से वी ए पे आ जाएगा, अगेन टेम्परेचर जो यहाँ पे कम हुआ था वो अगेन बढ़ के टी ए पे आ जाएगा, प्रेशर जो यहाँ पे कम हुआ था वो बढ़ के क्या हो जाएगा पी ए पे आ जाएगा, दिस इज द प्रेशर पी ए, पी ए पे आ जाएगा, इस तरह से जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहां पे वापस आ जाएगा, दिस इज नोन एज कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट साइकिल है और ये कार्नोट साइकिल की जो है पीवी डायग्राम है या फिर उसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। बेटा इसी की इंडिकेटर डायग्राम एंट्रोपी और टेम्परेचर के वर्सेस भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 से 3 दफा क्वेश्चन आया है कि आप टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करें, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बेटा याद रखें एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ना बेटा, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके इक्वल होता है डेल्टा क्यू ओवर टी, टी इज द इनिशियल टेम्परेचर, तो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है लिहाजा एंट्रोपी भी इसकी जीरो होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी जीरो, बट ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आएगी। अब देख सकते हैं अगर हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करें, इसने प्रोसेस स्टार्ट किया बेटा, जरूरी नहीं है कि आप सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन में ले, आप इसे आप शुरू से कर सकते हैं कि दिस वन इज, अगर ये एक्सपेंशन हो रही है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है तो एंट्रोपी जो है एंट्रोपी क्या होगी डेल्टा क्यू ओवर टी, टी इनिशियल टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो हमारी जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान एंट्रोपी जो है वो मेंटेन रहेगी, तो लिहाजा ये जो फिगर हमने ली है इसने अपना प्रोसेस किसी और तरह चलाया लेकिन हमने प्रोसेस चलाया है उसके दरमियान एंट्रोपी और हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट किया था, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन आया था, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन था, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन था, तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने देखा था कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा था बट एंट्रोपी बढ़ेगी थी, तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट एंट्रोपी बढ़ रही है, ये एंट्रोपी है पहले प्रोसेस में, इसमें हीट एनर्जी एंटर हुई थी क्यू एच, ये ए से बी पे जब हम गए, एंड उसके बाद क्या आया था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हीट एनर्जी जो एंटर नहीं होती लिहाजा एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे कोई हीट एनर्जी एंटर नहीं होती, तो बी से आप सी पे गए, फिर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन था, टेम्परेचर सेम है लेकिन एंट्रोपी कम हो रही है, तो जो तीसरा जो हमारा प्रोसेस होगा वो कुछ ये वाला होगा सी से डी, एंड फोर्थ वन इज
एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें एंट्रोपी सेम रहेगी बट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेटा ये है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ये वो वाला साइकिल है जो हमने चलाया, इन्होंने जो है हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन इस जो है वो तरीकाकार से इस प्रोसेस को हमने रन किया। तो हमारा प्रोसेस ए से बी की तरफ गया। इस प्रोसेस में उन्होंने शुरू ही 1 से 2 पे आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी सेम रह रही है। इन्होंने एडियाबेटिक कंप्रेशन से स्टार्ट किया। एडियाबेटिक कंप्रेशन के बाद उन्होंने हीट एनर्जी इसमें एंटर हुई, तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो ये हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके लिए ये पीवी डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा लास्ट पे मैं इसकी एफिशिएंसी लिखना चाहूंगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। बेटा वैसे तो एफिशिएंसी कल आपने लिखी थी ना 1 - QL/QH। तो बेटा इसे हम साबित करेंगे आज कल के लेक्चर में, हाउ टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। इट विल बी TL/TH, हमें यहाँ से पता चलेगा इट विल बी TH - TL/TH। अगर हम LCM लें तो हमें पता चला कि एंट्रोपी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन only depends upon the temperature difference between temperature of hot temperature versus reservoir and temperature of low temperature reservoir. So kal ke lecture mein inshallah hum log ye dekhenge how to determine the efficiency of heat engine. Thank you beta, Allah Hafiz.